आज मैं बनाने जा रही हूँ ये कर्ड राइस। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें दही होने की वजह से ये पेट को ठंडा रखता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ उमा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कर्ड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं चावल। ये 3 कप के करीब बॉयल्ड चावल हैं जिसे हमने पहले से बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश चावल बॉयल करके इसे बना रहे हैं तो चावलों को थोड़ा सा ठंडा कर लें, क्योंकि कई बार गर्म चावल में दही डालने से दही थोड़ी खट्टी हो जाती है और उसका टेस्ट फिर खट्टा आता है। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। लेफ़्ट ओवर राइस में कुछ लम्स होती हैं तो इस तरह से पहले उन्हें हम ब्रेक कर लेंगे लम्स को, और एक हम राइस को सारा प्लेन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ ये जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना चावल में, पहले हम इसको अच्छे से लम्प फ्री बना लेंगे। उसके बाद इसमें मिला लेंगे 1 कप दही। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल के लिए 1 कप दही डाला है। यहाँ पर मैंने फ्रेश कर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इसमें मिला देंगे 1/4 कप यानी 1/4 कप दूध लिया है मैंने। उसमें जो ऊपर दूध की थोड़ी मलाई आ जाती है मैंने वो भी ले ली है, इससे इसका बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। उसके बाद इसमें मिला इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि चावल थोड़े से गाढ़े हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिक्स कर सकते हैं, उससे क्या होगा जो दही की खट्टापन होती है वो भी बैलेंस हो जाएगी और आपके चावलों की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो कर्ड है ये बिल्कुल ही चावल है परफेक्ट कंसिस्टेंसी के हैं। तो इसके बाद इसमें मिला देंगे 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं अदरक थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मेरे घर में इस तरह से अदरक कटा हुआ ज़्यादा पसंद नहीं आता है, कच्चा फ्लेवर। उसके बाद इसमें मिला देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बार बार मिक्स करने से क्या होगा कि चावल भी जो है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और वो थोड़े घुटे घुटे और अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है। उसमें डाल देंगे जीरा जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद उड़द की दाल। 1 पिंच इसमें हींग डाल देंगे। मेरी ये हींग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से 2 टुकड़े करके डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच काली सरसों और अच्छे से इन सारी चीज़ों को स्प्लैटर होने देंगे। जब जीरा और सरसों अच्छे से थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें मिला देंगे अपने बाकी की चीज़ें। यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड मूंगफली थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पे फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट इस तरह से तेल में डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मिला देंगे कड़ी पत्ता और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो कर्ड राइस है ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। इसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर आता है, दाल का फ्लेवर आता है, काली सरसों का और भुने हुए जीरे का। घी में जब ये सारे मसाले भुनते हैं तो इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और हमें जो अभी देखने में कर्ड राइस बिल्कुल प्लेन लग रहा है वो बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाता है और खाने में इतने सारे फ्लेवर्स आते हैं इसमें। तो तड़का रेडी हो गया है, गैस बंद कर दिया है और अब इस तड़के को हम अपने कर्ड राइस में मिला देंगे। सारा तड़का इसमें डाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा घी कम डाला था, आप चाहें तो घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं तड़के में, और अच्छे से इस सारे तड़के को इसमें मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जो कर्ड राइस है इतना फ्लेवरफुल हो गया है कि खाने में जब खाते हैं तो इतनी तरह तरह की खुशबू आती है इसमें से। उसके बाद इसमें मिला देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और उसके बाद इसमें जो ये हरे धनिए का फ्लेवर आता है वो तो बहुत ही औसम लगता है इसमें। आप एक बार इस कर्ड राइस को ज़रूर मिला खाएँ और बनाएँ। और ये देखिए हमारा कर्ड राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है बन के। ये बिल्कुल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये आज की मेरी कर्ड राइस की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। ये कर्ड राइस पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट को ठंडक प्रदान करता है और हमारा जो खाना होता है उसे भी डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या दोपहर के लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो एक बार इस कर्ड राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।